हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो आज हम इंडक्शन चूल्हे का ग्लास चेंज करेंगे, तो देखते हैं किस प्रकार इसको चेंज किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। इस ग्लास को हम धीरे धीरे करके उतारेंगे सारे को। इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले निकाल लेंगे। अभी ऊपर से टूटा हुए कांच को एक बार साफ कर साइड पे करते हैं तो, और अंदर से भी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको इंडक्शन चूल्हे के बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, अब हम इस पे सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे। ये आपको प्लाईवुड की दुकान पे आरामदारी से मिल जाएगी, इससे छोटे भी आती है। ठीक है, अगर आप ग्लास चेंज कर अकेला ग्लास ही चेंज करना है तो आप छोटी ही इस्तेमाल करें। इसे पेचकस की सहायता से पीछे से पुश करें। ग्लास को इंडक्शन चूल्हे के ऊपर लगाने से पहले एक बार अच्छी तरह से साफ कर लें और इसे केयरफुल तरीके से उसके ऊपर इंस्टॉल कर दें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गिलास को सूखने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें।